डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शेर वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, राजस्थान। आज का अपना टॉपिक है स्नेक वेनम। स्नेक वेनम के बारे में पढ़ेंगे अपन, जो सांप का जो जहर होता है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जो सांप का जहर है वो अपन ने पहले ही बताया था पहले वाली वीडियो में कि जो स्नेक के अंदर जो ग्रेन्स होती है वो पॉइजनस ग्रेन्स होती है, पॉइजनस ग्रेन होती है, वो एक्चुअल में किसका रूपांतरण होता है, लेबियल ग्रेन का, लेबियल या फिर पेरोटिड ग्रेन जो है, पेरोटिड ग्रेन जो होती है उसी का मॉडिफाइड होता है ये पॉइजनस ग्रेन। इसका मतलब यहां से जो पॉइजन निकलेगा, जो पॉइजन निकलेगा वो एक्चुअल में क्या होगा, मॉडिफाइड सलाइवा है, क्योंकि अपने अंदर पेरोटिड ग्लैंड है वो सलाइवा सीक्रेट करती है। यहाँ पे जो पेरोटिड ग्लैंड है, लेबियल ग्लैंड है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है, किसमें, पॉइजनस ग्लैंड में। और इसका मतलब इनसे जो स्राव होगा वो क्या होगा, मॉडिफाइड, मॉडिफाइड सलाइवा, एक तरीके से वो सलाइवा ही है लेकिन मॉडिफाइड है। इस पॉइजन को जिसको अपन वेनम बोलते हैं, इस वेनम के अंदर क्या होगा, जो कंपोजिशन है उसमें क्या होगा, प्रोटीन, प्रोटीन और क्या होगा, एंजाइम्स, प्रोटीन और एंजाइम्स पाए जाते हैं। यही प्रोटीन है और एंजाइम्स किसका काम करते हैं, वेनम या जहर का काम करते हैं। तो ये कैसे करते हैं, ये प्रोटीन है तो प्रोटीन क्या करेगा, सेल की जो फंक्शनिंग है, सेल की जो फंक्शनिंग होती है उसको डिसरप्ट कर देगा। ये सेल की जो फंक्शनिंग है, प्रॉपर जो फंक्शनिंग है उसको नहीं होने देगा, तो उससे क्या होगा, उसकी फंक्शनिंग सेल की कोशिका की रुक जाएगी और उसके रुकने से क्या होगा, वो सेल की वो डेथ हो जाएगी, सेल डेथ हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से एंजाइम्स है, एंजाइम्स अपने को पता है कि क्या करते हैं, केमिकल ब्रेक डाउन ऑफ केमिकल बॉन्ड, यानी अपने शरीर में पाए जाने वाले, अपने शरीर के अंदर पाए जाने वाले जो बहुत सारे लार्ज मॉलिक्यूल्स है उनके बीच के अंदर जो बॉन्ड्स है उनको ये एंजाइम्स है वो तोड़ देंगे, और उसके तोड़ने से क्या होगा, वो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो नहीं कर पाते। इसी तरीके से जो टॉक्सिक एंजाइम है, मान लीजिए उस वेनम के अंदर टॉक्सिक एंजाइम है, तो वो टॉक्सिक एंजाइम क्या करेंगे, लो ब्लड प्रेशर कर देंगे। ठीक है, वोमिटिंग उसकी वजह से हो जाएगी, वोमिटिंग, मसल्स जो होती है उस मसल्स को भी वो प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो वेनम है वो एक्चुअल में क्या है, प्रोटीन और एंजाइम, मेटल्स भी होता है इनमें, क्योंकि प्रोटीन के साथ में मेटल्स भी जुड़ा रहता है, तो मेन क्या होता है, प्रोटीन और एंजाइम्स होते हैं वेनम के अंदर। ये वेनम जो है कैसे एक्शन करता है, ये वेनम तीन प्रकार का होता है, एक तो होता है साइटोटॉक्सिक वेनम होता है, एक होता है न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है, और एक होता है हीमोटॉक्सिक वेनम। ये तीन प्रकार के जो पॉइजन या वेनम पाए जाते हैं। इसके अलावा दूसरा अगर अपन टाइप देखें तो कार्डियोटॉक्सिक होते हैं, मायोटॉक्सिक होते हैं और नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं, नेफ्रोटॉक्सिक। ये अपने दूसरे आधार के लिए, तो मेन क्या कहते हैं, जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जो नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है वो क्या हो गया, न्यूरोटॉक्सिक। जो अपने ब्लड को प्रभावित करता है वो क्या हो गया, हीमोटॉक्सिक वेनम हो गया। और तीसरा जो अपने टिश्यू, सेल और टिश्यू को प्रभावित करता है वो क्या हो गया, साइटोटॉक्सिक। तो अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार का वेनम है वो पाया जाता है। तो अपन एक एक को लेते हैं, साइटोटॉक्सिक वेनम, साइटोटॉक्सिक वेनम क्या करेगा, साइटोटॉक्सिक पहले लेते हैं, ये क्या करता है, सेल
की फंक्शनिंग है, जहां पर ये जो वेनम जो स्नेक ने बाइटिंग के समय जिस टिश्यू के ऊपर अटैक किया है उस टिश्यू की सेल की जो फंक्शनिंग है उसको डिसरप्ट करता है। और ये डिसरप्ट कैसे करता है, ये वेनम केवल उस टिश्यू का डाइजेशन करता है, पार्शियल डाइजेशन करता है या फिर पार्शियल या फिर कंप्लीट डाइजेशन करता है, किसका, जहां पे वो गिरा है कंप्लीट डाइजेशन करता है। डाइजेशन का मतलब वो क्या करता है, सबसे पहले उसको लिक्विफाई करता है, एक लिक्विड सा बनाने की कोशिश करता है, उस लिक्विड के प्रोसेस में क्या करता है वो उसका डाइजेशन भी हो जाता है। और इस प्रोसेस को जिस तरीके से जो टिश्यू डैमेज होगा, जो ऊतक डैमेज होगा उसको अपन कहते हैं नेक्रोसिस। नेक्रोसिस यानी उस टिश्यू में क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा और उसके बाद में धीरे धीरे उस सेल की डेथ हो जाएगी। तो जो साइटोटॉक्सिक जो वेनम है वो सेल की फंक्शनिंग को प्रभावित करेंगे, और प्रभावित कैसे करेंगे, जिस टिश्यू के ऊपर वेनम गिरा है, स्नेक ने जहां काटा है उस पोर्शन में, उस टिश्यू में, वहां के टिश्यू में क्या होगा, उसको लिक्विफाई करा देगा वो वेनम जहर, और उसके बाद में यूं कह सकते हैं कि उसका डाइजेशन हो गया, उस टिश्यू का पार्शियल हो गया या फिर कंप्लीट डाइजेशन हो गया। तो जो जो सेल है, जो कोशिका है, वो अंदर से डेथ होने लग जाएगी, उसी को अपन क्या कहते हैं, नेक्रोसिस कहते हैं। यदि ये टिश्यू हार्ट का कोई पार्ट है तो अपन क्या कहेंगे, ये वेनम कौन सा हो गया, कार्डियोटॉक्सिक हो गया। साइटोटॉक्सिक तो है ही है, लेकिन साइटोटॉक्सिक के साथ में अगर वो हार्ट का टिश्यू है देन वी कैन से कार्डियोटॉक्सिक, और अगर वो मसल्स का है कोई तब अपन उसको कह देंगे मायोटॉक्सिक, और अगर वो किडनी का पार्ट है तब उसको अपन क्या कह देंगे, न्यूरोटॉक्सिक। तो एक तो होता है साइटोटॉक्सिक वेनम होता है, दूसरा होता है न्यूरोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक वेनम क्या होता है, ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। एक बात बीच में मैं आपको और बता देता हूं, बहुत सारे स्नेक का वेनम जो है, जरूरी नहीं है कि ये तीन टाइप ही हो, कॉम्बिनेशन ऑफ वेनम भी होता है, मतलब कॉम्बिनेशन भी पाया जा सकता है कि कुछ स्नेक ऐसे हैं जिसके अंदर न्यूरोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक दोनों का काम करता है, उसमें इन दोनों का काम करता है, तो ये कॉम्बिनेशन भी कुछ सांप में स्नेक में पाया जाता है। अब न्यूरोटॉक्सिक क्या करता है, तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। तो अपन देते हैं न्यूरोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक में क्या हुआ, ये जो वेनम है, ये जो जहर है, पॉइजन है, वेनम है, ये क्या करता है, नर्वस सिस्टम को तो प्रभावित करता ही करता है। अब नर्वस सिस्टम को कैसे प्रभावित करता है, जो सेल के सिग्नल्स जो होते हैं उनको ब्लॉक करता है। अपन जानते हैं कि एक तंत्रिका होती है फिर दूसरी तंत्रिका होती है, उनके बीच में क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स आते हैं। तो ये क्या करता है, सेल के सिग्नल्स जो होते हैं उनको ब्लॉक करता है, उनको ब्लॉक कर देता है। तो एक तंत्रिका का दूसरी तंत्रिका से समन्वय नहीं रहेगा तो तंत्रिका तंत्र है वो काम करना बंद कर देता है और व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो कहने का मतलब है न्यूरोट्रांसमीटर्स को ये ब्लॉक कर देता है। कैसे, जैसे कैल्शियम चैनल होता है, कैल्शियम चैनल होता है नर्वस सिस्टम में आपने पढ़ा है, पोटेशियम चैनल होता है, पोटेशियम चैनल उनको ब्लॉक कर देता है। और वो ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों पोटेशियम चैनल होता है और जो कैल्शियम चैनल होता है उनको ब्लॉक कर देता है, और यही चैनल्स क्या करते हैं, तंत्रिका आवेग को आगे भेजते हैं, नर्व इंपल्स को आगे भेजने का काम करते हैं। जब इन्हीं को ब्लॉक कर दिया तो आगे कोई सिग्नल है वो नहीं जाएगा। यानी कहने का मतलब न्यूरोट्रांसमीटर साइट जो है, जहां न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब दो सेल नर्व सेल के बीच में जो लिक्विड सिक्रेट किया जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर जैसे एसिटाइल कोलिन, सेरोटोनिन, सेरोटोनिन, गाबा, एसिटाइलिन, नोन, तो इनको क्या करता है वो ब्लॉक कर देता है, इनकी साइट जहां पे जाकर के ये न्यूरोट्रांसमीटर क्रिया करते हैं, उस एक्टिव साइट को ये पॉइजन क्या करता है उसको ब्लॉक कर देता है। तो कोई भी है वो सिग्नल है वो आगे नहीं पहुंचेगा, तो नर्वस सिस्टम व्यक्ति का काम करना बंद कर देता है और वो अचेत होकर के गिर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो इस प्रकार से ये न्यूरोटॉक्सिक वेनम है। हीमोटॉक्सिक नाम से स्पष्ट है, हीमोटॉक्सिक ब्लड से संबंधित है, और यहां पे जो व्यक्ति की डेथ होती है वो किसकी वजह से होती है,
ये न्यूरोटॉक्सिक सॉरी हीमोटॉक्सिक यहां पर क्या होगा, मेन ब्लॉक कोएगुलेशन, ब्लड कोएगुलेशन प्रोसेस जो होता है, ब्लड कोएगुलेशन प्रोसेस को ये रोकता है, चेक करता है ब्लड कोएगुलेशन। कहने का मतलब है वो ब्लड का कोएगुलेशन नहीं होने देता है, ब्लड का कोएगुलेशन नहीं होगा तो क्या होगा, इंटरनल ब्लीडिंग होगी। तो ये मेनली ये जो हीमोटॉक्सिक है वो क्या करेगा, जो आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी होती है, उसको रप्चर कर देगा। ये रप्चर करने से क्या होगा, जो कोएगुलेटिंग फैक्टर है वो काम नहीं कर पाएंगे, रक्त का थक्का बनाने वाले जो फैक्टर है वो काम नहीं कर पाएंगे, वो काम नहीं कर पाएंगे तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, तो अंदर ही अंदर बॉडी के अंदर क्या होगा, इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। और उस इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से क्या होगा, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो है वो अवरुद्ध होगा, ब्लड का सर्कुलेशन कम होने लग जाएगा और आदमी वो स्थिर हो जाता है। कुछ हीमोटॉक्सिक तो ऐसे होते हैं जो प्लेटलेट्स को भी है वो खत्म करते हैं, डैमेज करते हैं। तो इस प्रकार से जब आरबीसी भी डेथ हो गई, डब्ल्यूबीसी भी हो गई, प्लेटलेट्स की भी डेथ होने लग जाती है, तो ये सारी की सारी चीजें एक जगह ब्लड सर्कुलेशन में कहीं ना कहीं जाकर के इकट्ठी हो जाती है, तो सर्कुलेशन नहीं होगा ब्लड का, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा, हार्ट को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और हार्ट फेलियर हो जाता है उस व्यक्ति का। तो यहां पे उस व्यक्ति का क्या हो जाएगा, हार्ट फेल हो जाता है उस व्यक्ति का और उसकी डेथ हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जो हीमोटॉक्सिक है वो क्या करता है, मतलब हीमोरेज हो जाता है, यू कह सकते हैं अपन, रक्त स्राव हो जाता है, पहले इंटरनल ब्लीडिंग होती है और उसके बाद में ये हीमोर स्राव जो होता है उससे क्या होगा, जो खूब सारी जो आरबीसी डब्ल्यूसी डेड होती है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं जाकर क्रम्प हो जाती है, तो उसको क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करती है, तो हार्ट को पूरा वो ब्लड नहीं मिलता है, तो हार्ट फेलियर की वजह से इसमें डेथ हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जो स्नेक के वेनम है वो तीन प्रकार के, तो साइटोटॉक्सिक वेनम, न्यूरोटॉक्सिक वेनम और हीमोटॉक्सिक वेनम है। तो ये अपन ने तीन प्रकार के सिस्टम पढ़ा। कई बार इस प्रकार का सवाल उठता है कि जब इस प्रकार का इतना हाई इसमें पॉइजन पाया जाता है, वेनम पाया जाता है, तो सांप स्नेक खुद क्यों नहीं मरता। देखिए उसके पीछे कारण क्या है, पहली बात तो है कि जो स्नेक जब बाइटिंग करता है तो उस बाइटिंग के समय वो उसके फैंग्स जो है, दांत जो है, वो इस प्रकार से शिकार के अंदर प्रवेश करते हैं कि वो पॉइजन उनकी बॉडी में प्रवेश कर ही नहीं पाता, वापस उल्टा उसकी बॉडी में नहीं प्रवेश करता है। और फिर भी अगर कर भी जाए तो क्या होगा कि कोई भी वेनम है वो तभी क्रिया करता है जब वो अपने किसी कटिंग सरफेस यानी ब्लड के संपर्क में आता है या फिर टिश्यू के संपर्क में आता है, यानी ये किसी घाव के संपर्क में आएगा या ब्लड के संपर्क में आएगा तभी वो क्रिया करेगा। जैसे मान लीजिए स्नेक का जो वेनम है उसको अपन अपन अगर निगल लेंगे, अगर अपन पी लेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और कोई अपने को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उसमें है क्या, अपने पहले बताओ उसमें प्रोटीन है, एंजाइम्स है, और वो प्रोटीन क्या है, जैसे स्टोमक में जाएगा वहां एसिडिक मीडियम की वजह से वो प्रोटीन है वो सॉरी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो स्नेक का खुद का जो वेनम है वो खुद को उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है, एक तो ये वजह है। और दूसरा क्या है, अगर फिर भी वो कटिंग सरफेस में आ गया, अगर स्नेक के अगर संपर्क में आ गया तो स्नेक के बॉडी में क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी पाई जाती है, एंटीबॉडी या उसको कहते हैं या यू कह सकते हैं एंटी सीरम पाया जाता है, एंटी वेनम पाया जाता है, एंटी वेनम। और वो एंटी वेनम खुद का जो टॉक्सिक पदार्थ है उसके अगेंस्ट में है, यानी वो अगर उसकी बॉडी के अंदर प्रवेश कर भी गया तो भी क्या होगा, वो उसकी बॉडी में ऑलरेडी क्या है, एंटीबॉडी या एंटी वेनम है, इसलिए उसको कोई भी क्षति नहीं होगी। एक सांप अगर दूसरे सांप को भी अगर काट लेता है तो भी वो उनको कोई मतलब नुकसान नहीं होता है, क्योंकि उसकी बॉडी में ऑलरेडी क्या है, एंटी वेनम पाई जाती है। तो ये आज का अपना जो टॉपिक है स्नेक वेनम है वो कंप्लीट होता है, और वो तीन प्रकार का अपन ने बताया, साइटोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक।
और ये दूसरी टाइप से अपन ने कार्डियोटॉक्सिक, मायोटॉक्सिक, नेफ्रोटॉक्सिक, जिस टिश्यू पर अटैक करता है उसके नाम से, हार्ट वाला, ये मसल्स वाला और ये किडनी वाला, तो ये तीन प्रकार की इसमें टाइप पाई जाती है। तो आज का अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया, मेरे वीडियो आप लगातार देखते रहिए, समझ में आता है तो आप लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, और अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जाकर के कोई भी है वो क्वेरी अपनी पूरी कर सकते हो। थैंक यू।